यहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है, तो अपने लगेज को देख सकते हैं, हमारा लगेज यहीं पे रखा हुआ है। तो खैर हमने बहुत लोगों से सुना था, आई थिंक दिस गिव्स अस द कजाक वाइब। इसको शूट कर रहे हैं ऑन द DJI Osmo Pocket 3 जी। ये है हांगकांग की सड़कें, हांगकांग के नज़ारे, बहुत ही क्लीन, बहुत ही वेल डेवलप्ड। इन सब का हमने पे किया अराउंड 81 हांगकांग डॉलर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होते हैं 800 रुपीज़ के आसपास। आप रफली मान लो उसके आसपास ही होगा, आप कन्वर्ट कर लेना। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। माय नेम इज़ प्रतीक एंड आई एम हिमांशी, एंड अभी हम लोग हैं हांगकांग में। सो हम लोग इस वीडियो में हांगकांग को पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं और अपने साथ साथ आपको भी दिखाने वाले हैं हांगकांग के मेजर अट्रैक्शंस। और अभी हम लोग हैं एयरपोर्ट पे, हम लोग आज ही पहुँचे हैं। आपने हमारा प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गो वॉच आवर प्रीवियस वीडियो, जिसमें हमने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है ऑफ रीचिंग हांगकांग। अभी हम लोग हैं एयरपोर्ट पे, वी आर टेकिंग दी S1 बस एंड गोइंग टू तियानतान बुद्धा, जिनको हम लोग यहाँ पे बिग बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। और अभी बहुत ज़्यादा ठंड है हांगकांग में यार, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो जी हम अभी वेट कर रहे हैं हमारी बस की, जो हमें लेके जाएगी यहाँ से तुंग चुंग स्टेशन, राइट, तुंग चुंग स्टेशन करके जगह है जहाँ पे हमें जाना है। आगे से चढ़ना है, यू हैव टू पे। लेट्स गो सेट अप स्टेयर्स। शुड वी कीप इट अप और शुड वी कीप इट? होल्ड दिस फॉर मी। जी हम बैठ चुके हैं हमारी बस में और हमें ऑलमोस्ट 12 स्टेशन क्रॉस करने हैं, देन वी विल रीच तुंग चुंग। तुंग चुंग स्टेशन, एंड आई थिंक एक घंटा लगना चाहिए हमें रफली। यस, एंड यहाँ पे हमें लगेज जो है, लगेज रखने के लिए नीचे बना हुआ था तो हमने लगेज रख दिया। एंड एंट्री पे ही हमें टैप करना होता है टूरिस्ट कार्ड, हमारे 3 हांगकांग डॉलर्स कुछ डिडक्ट हुए। एंड आई कैन लिटरली सी माय लगेज राइट नाउ। लेट मी शो यू, यहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है, तो अपने लगेज को देख सकते हो, हमारा लगेज यहीं पे रखा हुआ है। और हम अभी ऊपर वाले डेक पे आके बैठे हैं, सो इट्स अ डबल डेकर बस। और ये है हांगकांग की फेमस ओल्ड टैक्सीज जो आपको नज़र आ रही हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है यार ये सब। एंड एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि ओवरऑल पूरा हांगकांग बहुत ही ज़्यादा क्लीन लगा अभी तक हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन है। सो जी वी हैव फाइनली रीच्ड तुंग चुंग स्टेशन, और यहीं से हमारी जो बेसिकली गोंडोला है वो यहीं से चलती है। बट राइट नाउ वी आर लुकिंग टू कीप आवर लगेज समवेयर। आ जाओ। सो अभी हम लोग अपना लगेज कहाँ रखें उसके लिए जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। आई थिंक वी हैव फाउंड इट समवेयर। यार यहाँ पे आते ही एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। हाँ। क्या आपने नोटिस किया इसको? काफ़ी भीड़ है, आई थिंक बिकॉज ये शॉपिंग मॉल है ना यार, उससे भी ज़्यादा मतलब ऐसा लगा कि बहुत जनता है यहाँ पे। तो जी हमें P2 में आके मिला है, सिटी गेट आउटलेट के P2 में ही एक बहुत बड़ा सा लगेज इन्होंने बना रखा है सिस्टम। यहाँ पे 3 साइजेस हैं लगेज के, स्मॉल लार्ज, नहीं 2 साइज बना हुआ है, स्मॉल एंड लार्ज। आपको दिखाता हूँ, स्मॉल इज हमें लार्ज ही चाहिए। हांगकांग $40 फॉर 2 आवर्स। द बेस्ट पार्ट इज कि हम लोग ऑक्टोपस कार्ड से पे कर सकते हैं। सिटी गेट आउटलेट में आना अगर आपको अपना लगेज स्टोर करना है, एंड उसमें भी कौन से इसमें गए हम लोग, P2 में आना है। एंड उसके बाद हमने अभी पे किया $15 फॉर आई थिंक 6 आवर्स, राइट, 6 आवर्स व्हिच इज रियली चीप। ऊपर जो है ग्राउंड फ्लोर्स पे वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये तो काफ़ी चीप ऑप्शन था। मतलब हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं, अब यहाँ से हम जाके लेंगे बस। रीज़न बीइंग बस लेने का कि अगर हम लोग गंडोला लेते हैं तो गंडोला इज़ बिट एक्सपेंसिव, तो हमें अभी एक्सपेंसिव का सीन रखना नहीं है, हमें थोड़ा बजट ट्रिप बनाना है। एंड उससे भी ज़्यादा हम लोग गंडोला में बैठे हुए हैं 2-3 बार। हाँ, मतलब अब हमारा हो गया है। बट अगर आप नहीं बैठे हो पहले तो आप जा सकते हो, देर इज़ $150 फॉर नॉर्मल एंड $230 फॉर ग्लास गंडोला। तो इज एक्सपेंसिव, यू कैन एक्सपीरियंस वन टाइम। मुझे ये है हांगकांग की सड़कें, हांगकांग के नज़ारे, बहुत ही क्लीन, बहुत ही वेल डेवलप्ड एंड मस्त से, और चारों तरफ पहाड़ है और अभी ठंड हो रखी है, तो ये पूरा का पूरा हमें अभी यूरोप का वाइब दे रहा है जगह ना। अलग ही लेवल का लग रहा है, नो डाउट, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो आपका अभी तक फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे हैं, उस बारे में तो हमने बात करी नहीं। काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ठंड है यार, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी ठंड होगी। अभी एक्चुअली बारिश जैसा मौसम हो रखा है, इस चक्कर में ठंड है। बट आई मस्ट से दैट दिस सिटी इज सुपर क्लीन, सुपर वेल कनेक्टेड, सुपर डेवलप्ड। अभी तक जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है वो यही है। तो जी सबसे पहले हम लोग आए 7-Eleven में, जो हमें तुंग चुंग स्टेशन में मिल गया। दिस यू लाइक इट, इट्स चॉकलेट रस्क, आई मीन व्हाट्स नॉट टू लाइक।
वी जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या क्या ऑप्शन हैं यहाँ के 7-Eleven में. सो आप यूजली अपना जो आपके पास कार्ड है टूरिस्ट कार्ड राइट ऑक्टोपस टूरिस्ट कार्ड उसको आप 7-Eleven से भी रिचार्ज कर सकते हो एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना ट्राई टू डू. हेलो येने टाटा नो यू वांट टू रिचार्ज ऑक्टोपस कार्ड या कैन आई रिचार्ज बाय माय कार्ड नो कैश ओनली. You can pay by card, right? Okay. Yeah, इसे कार्ड से पे कर सकते हो. So आप यहाँ पे आके अपने टूरिस्ट कार्ड से भी 7-Eleven में पे कर सकते हो. थैंक यू. 7-Eleven के बाहर ही ना बहुत ही ऐसे स्टेयर सा बना हुआ है सब कोई बैठे हुए हैं. आप देखो हम भी बैठ गए 7-Eleven से सैंडविच ले लिया हमने. बहुत सही ऑप्शन है यहाँ 7-Eleven में. आई थिंक दिस नीड्स अ सेपरेट वीडियो. जो ऑप्शन आपको थाईलैंड में मिलते हैं वो यहाँ तो नहीं मिलते. बाय द वे ये जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन का वीडियो है एंड आवर फर्स्ट डे इन हांगकॉन्ग हम इसको शूट कर रहे हैं ऑन द DJI Osmo Pocket 3. सो इसके बारे में मैंने सोचा आपको बता दूं. तो अभी आप हमारे जितने भी हांगकॉन्ग के व्लॉग्स देखोगे दीज आर ऑल शॉट ऑन DJI Osmo Pocket 3. तो कमेंट डाउन बिलो लेट अस नो कि आपको कैसा लगा है. और अभी ये फेस ट्रैकिंग ऑन है इसका तो इट इज़ ट्रैकिंग भी. बाकी हम फटाफट खाते हैं बहुत भूख लगी है 1 बज चुके हैं. नाउ वी हैव टू कैच अ बस एंड गो टू तियान तान बुदा विच इज़ बेसिकली बिग बुदा. जैसे फुकेट में बिग बुदा है वैसे यहाँ पे भी बिग बुदा है. तो हम वहाँ पे जाएंगे एंड देन आफ्टर दैट विल चेक इन इनटू आवर एयरबीएनबी जो हमने बुक किया है. सारा टूर देंगे आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे हम कहाँ स्टे कर रहे हैं ये भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो जी ये हमने लिया है बनाना ब्रेड विथ क्रीम इन साइड. मैंने चॉकलेट बनाना डबल क्रीम पफ सुन लिया. सो ये हो गया प्लस द सैंडविच दैट वी टुक एंड एक कॉफ़ी लिया ना आपने. कॉफ़ी लिया है एंड देयर इज वन चॉकलेट रस्क व्हिच इज. तो इन सब का हमने पे किया अराउंड 81 हांगकॉन्ग डॉलर जो कि अप्रॉक्सीमेटली होते हैं 800 रुपीस के आसपास. आप रफली मान लो उसके आसपास ही होगा आप कन्वर्ट कर लेना. एंड दिस इज 7-Eleven बाय द वे. या दिस इज नॉट अ 7-Eleven भी बहुत महंगा. तो जी हमें पता चला है कि जो बस बिग बुदा जाती है दैट इज S23 एंड हम उसको ही ढूंढने निकले हुए हैं. और ये बस के चार्जेस काफ़ी चीप हैं. ठंड तो काफ़ी ज़्यादा यार हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया ठंड को. मतलब हाथ मेरे जम रहे इतनी ठंड है. आई थिंक अभी 12 डिग्री के आसपास है टेम्परेचर. तो जी यहाँ पे आप देखोगे बस नंबर 23 निगोंग पिंग बिग बुदा. तो ये केबल कार स्टेशन है निगोंग पिंग का. ये केबल कार से आप डायरेक्टली जा सकते हो बिग बुदा की तरफ. बट हम केबल कार नहीं ले रहे बिकॉज इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव. और प्लस लाइक वी सेड हम ऑलरेडी बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं. तो इट इज़ नथिंग न्यू और एक्साइटिंग आई वुड से फॉर अस. बट आप यहाँ का ओवरऑल क्लिनलीनेस देखो यार. मतलब कितना ज़्यादा साफ सुथरा क्लीन है. चलो जल्दी आओ जल्दी आओ. हांगकॉन्ग में ना जो हाउसिंग क्राइसिस है वो बहुत क्रेजी लेवल पे था. मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी. इस चक्कर में आपको ऐसे छोटे से मतलब इट्स सो डेंसली पॉपुलेटेड यहाँ पे बहुत छोटे छोटे रीजन में आपको ऐसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हाई राइजेस देखने के लिए मिलेंगे. हम आ चुके हैं बस स्टैंड पे एंड दिस स्टैंड इज़ कॉल्ड S23. बस नंबर S23 है जो जाती है बिग बुदा. बड़े ढूंढ के एकदम कोने में है पता है लिटरली सबसे कोने में जाके है. छोटा छोटा कोने में रखा है बिग बुदा की आओ आगे से लेफ्ट ले. लेफ्ट लेने के बाद कहीं कुछ नहीं काम आना है. हम आते तो थोड़ी देर हम अभी पीछे वाले एरिया में ऐसे ढूंढ रहे कि हमें जाना खाने. बट अगर आप आओगे तो आपको बता दें सिटी गेट आउटलेट्स के एग्जैक्ट सामने है. yes, हम लोग पूरा अंदर से घूम के आए हैं एंड उसके बैक साइड पे जहाँ पे सारी बसेस खड़ी हैं तो आपको वहाँ आके खड़े होना है. और आपको हमेशा बस नंबर बता होना चाहिए. जैसे हमें पता था कि S23 में हमें जाना है तो उससे क्या होता है इट्स वेरी इजी. मार्किंग कर रखी है तो उसे आप फॉलो करके आ सकते हो. तो जी हमारी बस आ गई है. ये बाकी बस से काफ़ी अलग है बिकॉज इससे पहले जो आई थी सारी डबल डेकर बसेस थी. आपको बस में इंटर करना है और इंटर करने के बाद यू हैव दिस ऑक्टोपस कार्ड. इस ऑक्टोपस कार्ड को आपको टैप करना होता है जो अभी सब टैप कर रहे हैं. आपको अगर बिग बुदा जाना है बस से तो यू हैव टू पे $20. अगर आप कैश से पे करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो. बट आपको एग्जैक्ट कैश लेके आना पड़ेगा. चेंज वापस नहीं करेंगे. दैट्स व्हाई मोस्टली पीपल पे बाय ऑक्टोपस कार्ड. उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है. यू पे 19.66 समथिंग. बहुत माइनर डिस्काउंट है बट यू नो इफ यू आर ऑन बजट ट्रिप स्टिल बेटर देन द गंडोला. स्टिल बेटर देन गंडोला ऑफ कोर्स.
because you pay $250 one side, which is really expensive. मैं तो अच्छा खासा नींद मार के सो गया था अभी। ओ भाई साहब, ये देहरादून कैसे आ गए? मसूरी वाली वाई बार रखी है यहाँ पे। तुमने मेरी बहुत हालत खराब कर दी। तो हम आ गए हैं नॉन्ग पिंग लेफ्ट लगेज सर्विस। यहाँ पे भी लगेज रखने की सर्विस है। कन्वीनियंस सब जगह है यहाँ पे यार, विच इज ग्रेट। तो हम आ गए हैं बिग बुदा। ये हमारी बस ने हमें ड्रॉप कर दिया इधर। थोड़ा वाइब देखो यार, ये देखो वाइब काफ़ी ज़्यादा। हमें बहुत सारे इंडियंस का ग्रुप मिला पीछे। अरे वेट, हम जिसको यूटिलाइज द डस्टबिन। यार डस्टबिन नहीं है यार कहीं पे भी। डस्टबिन है, नॉट काइट फ्लाइंग। यहाँ पे कोई पतंग उड़ा रहेगा? एक मिनट, इसके अंदर भी है हमारा थोड़ा कचरा, हम लेके घूम रहे कब से। यहाँ पे इन्होंने इमेजिन इस नॉन्ग पिंग विलेज में इन्होंने यहाँ पे एक 7-Eleven भी बना रखा है। बड़ा ही सही वाइब आ रही है ओवरऑल। आप देखो, ठंड तो खैर बहुत ज़्यादा ही है, इतनी ज़्यादा ठंड है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी यहाँ पे। और ये यहाँ पे लिटिल नॉन्ग पिंग विलेज है। और क्या मतलब नज़ारे हैं यार, फॉग ही फॉग चारों तरफ। दिस इज़ सो कूल। और ये मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। यू कैन गेट अ पिक्चर लाइक दिस विच ग्लोज इन द डार्क। सी बुरार पब्लिक पेडेस्ट्रियन पैसेज। ऑलराइट, तो हम आए यहाँ पे अब वॉशरूम ब्रेक लेने के लिए। अब बड़ा ही खूबसूरत सा बना रखा है। केमिकल स्प्रे डू नॉट टच। तो मेरे पीछे आप देखोगे पूरा का पूरा वॉशरूम का एरिया बना रखा है इन्होंने। तो भैया, हमें एक स्टोर मिला है जिसमें सिर्फ चॉपस्टिक्स है। इट्स ऑल अबाउट चॉपस्टिक्स, देयर इज नथिंग एल्स इन इट। एंड देयर इज सो मच ऑप्शंस। लाइक अभी चल के दिखाते हैं आपको कि इतना वैरायटी है, आई हैव नेवर सीन इट। दीज आर ऑल लाइक ट्रेडिशनल चॉपस्टिक्स, हैंडक्राफ्टेड। दे मेड बटरफ्लाइज एंड पांडास एंड व्हाट नॉट। दीज आर ऑल फॉर गिफ्टिंग पर्पसेस। Yeah. अगर आपको सुविनर के तौर पे लेना है तो वैसे भी ले सकते हो। प्राइस है लगभग 150 से $200 के बीच में ही है सब कुछ। तो आप लगा लो $150 हुआ लगभग 1500 रुपये। महंगे भी हैं। मे बी इट स्टार्ट्स फ्रॉम 150। ये वाले तो खैर बहुत ही महंगे हैं, इस तरफ वाले सारे। ये सब 4000 हांगकॉन्ग डॉलर के। आई थिंक उस साइड वाले दे आर चीपर। Let me show you these ones are cheaper. This is $130. पूरे एशिया में ये वाले जो स्टोर्स हैं इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, एंड पीपल लव प्लेइंग दीज गेम्स। सो दिस वुड कॉस्ट यू वन टाइम $5, विच इज़ 50 रुपये, विच इज़ नॉट बैड। आई थिंक इंडिया वाला प्राइस ही है, बट मज़ा बहुत आता है यार। मैं कभी नहीं जीत पाई हूँ। सुविनेर की तरह लेके जा सकते हो इन सब चीज़ों। वो मैं कभी नहीं जीत पाई हूँ यार, ये नकली है ना यार। ये बहुत ही सही टी कह रहा हूँ, ठंड इतनी ज़्यादा है कि ट्री को टी बोल रहा हूँ मैं। बट यहाँ पे बहुत ही सही ये ट्री दिखा है, विच इज़ कॉल्ड, आई डोंट नो, इज इट कॉल्ड ब्लिस। फेक आर्टिफिशियल ट्री है ये, मुझे भी ये लग रहा है। केबल कार डिस्कवरी सेंटर। बट ये ट्री कितना सही लग रहा है यार। अच्छा, यहाँ से केबल कार आती होगी ना। या श्योर, नो प्रॉब्लम। देखो, इन्होंने एक की क्लिक कर दिया, अब उसको नौकरी मिल गई। 3, 2, 1। अब पुट्टू जी यहीं रहने वाले हैं, सबकी तस्वीरें निकाल लें। जस्ट अ सेकंड, थोड़ी देर बाहर वॉक करते हैं, फिर ये एक सुविनियर शॉप में घुस जाती है। इधर जाएंगे आप? ये कितने का है? I don't know. First question is the price. Do we see the price? 200. मतलब 2000 रुपए का। There is this beautiful bridge, artificial bridge जो उन्होंने यहाँ पे बना रखा है। और इसके bridge के just बाहर ही यहाँ पे Starbucks भी है। Coffee पी सकते हैं वैसे। इसी का wait कर रहे थे ना आप? सुनना चाह रहा था मैं, आप क्या बोलोगे? So it's a huge village है ना? बहुत ही unique है यार। मतलब मैंने तो expect नहीं किया था कि ऐसा होगा। ये है 360 cable car, जिसकी entrance है, वहाँ से आप आते हो। देन आने के बाद इस तरफ से आप स्ट्रेट चले जाओगे बिग बुदा की तरफ। और हम लोग खैर उसी तरफ से आए हैं क्योंकि हमारी बस ने हमें वहीं ड्रॉप किया था। इट्स कॉल्ड कलर चाचा। कलर चाचा माउंटेन कैफे। आई थिंक यहाँ पे तो कुछ भी खाना इज गोइंग टू बी सुपर एक्सपेंसिव। या फॉर श्योर। बुला रही है आपको खाना है कुछ? नहीं नहीं, आई विल जस्ट हैव ईदर कॉफी और वी कैन हैव समथिंग हॉट, लाइक हॉट चॉकलेट। बहुत ठंडा यार। बाकी चलते हैं फटाफट बिग बुदा की तरफ, एंड देन विल go
check in at our Airbnb. हाँ यार बारिश भी हो गई है. I don't think it's safe to stay here for long. तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ और notice करी है कि हांगकांग के हो गए, चाइना के हो गए, साउथ कोरिया के हो गए, जापान के हो गए, बहुत फोटो फ्रेंडली होते हैं. स्पेशली चाइनीज लोग बहुत ज़्यादा फोटो फ्रेंडली होते हैं. तो आपको हर बार दिख जाएंगे हाथों में बड़े बड़े सेल्फी स्टिक लिए हुए मस्त वॉक कर रहे हैं. मतलब ऐसा लगता है कि सेल्फी स्टिक उन्होंने बस लगा रखा है. दे नॉट इवन लुकिंग एट द कैमरा, दे जस्ट वॉकिंग विद दैट सेल्फी स्टिक. मेरे को कभी नहीं लगा था कि मुझे 7-Eleven से कुछ उठाने में सोचना पड़ेगा, बट ये छाता जो है दिस इज़ फॉर $79. दिस इज मोर एक्सपेंसिव देन ज्यूरिख. तो बारिश हो रही है बाहर तो हम आए हैं. एंड दिस इज 89 एंड दिस इज जस्ट क्रेजी यार, क्रेजी एक्सपेंसिव. और ये कितने का है? ये जो पोंचो $32 पोंचो ले ले यार. कितना हुआ ये पोंचो? हुआ 320 रुपए का. ये वहां पे 20 बात का मिलता है, 20 बात का मिलता है. सो दिस इज जस्ट प्लास्टिक रैप्ड अराउंड यू. तो जी वी हैव फाइनली रीच्ड द बिग बुद्धा, जो हमारे आज की आइटनरी का पार्ट था. तो बिग बुद्धा के मूर्ति के पास जा रहे हैं, बट अभी बिकॉज इतना ज़्यादा, एक तो ठंड तो बहुत ज़्यादा है, एंड आई मीन वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें ठंड मिली है. बिकॉज जनरली जब लोग आते हैं यहाँ पे तो उन्हें गर्मी मिलती है, और वो गर्मी तो सही नहीं जाती, ठंड तो फिर भी मैनेजेबल है यार, प्रॉब्लम नहीं होती. हम जितनी मर्ज़ी वॉक कर ले, दिन में 5-7-10 किलोमीटर करवा लो, ईजिली वॉक कर लेंगे. और ये पूरा एरिया बहुत ही सही लग रहा है. एंड इसके पूरे एंट्रेंस में ना दोनों तरफ ऐसे स्टैचूज़ बने हुए हैं. अब स्टैचूज के बारे में लिखा भी हुआ है. सो जी वी हैव फाइनली रीच द एंट्रेंस, एंड यहाँ से आपको ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्टेयर्स हैं जो क्रॉस करके जाना पड़ेगा एट द टॉप. एंट्रेंस यहाँ पे फ्री है, मानो इस तरफ से एंट्रेंस. नो स्मोकिंग, नो हॉकिंग, प्लीज डू नॉट रन, नो फ्लाइंग ड्रोन्स एक्सेप्ट विद परमिट, नो एनिमल्स अलाउड, प्लीज स्टे काम. Alright, काफ़ी ज़्यादा स्टेज है, काफ़ी ज़्यादा स्टेज है क्रॉस करने के लिए. आप देख रहे हो यहाँ से नज़र तो नहीं आ रहे, बट यहाँ से इट्स लाइक अ गुड क्लाइंब. हैं जी दोस्त, शरीर को गर्मी मिल जाएगी आपके. आप कह रहे थे ना ठंड लग रही है, तो आई थिंक फुली. चलो जी, ये पाई याद आया हमें? बहुत जोर से याद आया. बुद्धा की स्टैचू फाइनली रिवील हो रही है आउट ऑफ द फॉग. सो ये बुद्धा की स्टैचू जो है ये 1993 में कंप्लीट हुई थी, एंड इट वाज बिल्ड एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन ओनली. दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 35 मीटर्स टॉल, एंड जो हम स्टेयर्स अभी क्रॉस करके ऊपर जा रहे हैं, ये स्टेयर्स अप्रॉक्सीमेटली 270 स्टेप्स हैं जो आपको कवर करना पड़ता है टू रीच एट द टॉप. Looks like it has started raining. दोस्त बारिश स्टार्ट हो गई है. भाई काफ़ी क्योस हो गए यहाँ पे, बिकॉज बारिश एकदम से बढ़ गई है. सो वी आर गोइंग बैक 250 स्टेप्स अगेन. कहते जल्दी चलना भाई. इतना महंगा छाता मैंने अपनी लाइफ में नहीं लिया होगा. कितने का छाता है दोस्त? 580 रुपये का छाता लिया हमने. एनीवेज बहुत बहुत मुश्किल से भाग कर आए हैं हम लोग. यार आप नज़ारे देखो चारों तरफ, मतलब एकदम ही बहुत क्रेजी फॉग हो रखा है, एंड ठंड तो खैर बहुत ही ज़्यादा है. सो नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हाँ बस. इससे पहले वाली बस चली गई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई. सब भाग रहे हैं ना, बिकॉज बारिश बंद ही नहीं हो रही है. बट आई थिंक पर्सनली मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ यहाँ पर, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर. आप ट्रैवल कर सकते हो इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, एंड वही कर रहे हैं. जो प्राइस है ना वो आप बहुत ही कम पड़ता है अगर आप टैक्सी से कंपेयर करो या अदरवाइज किसी भी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करो. तो जी हमने अपने सूटकेस को फाइनली रिट्रीव कर लिया है, और इसका हमने पे किया कितना मानो टोटल? $30 बाहर से नहीं निकल पा रहे हो आप. हमने पे किया $30, एंड काफ़ी इजी प्रोसेस था, बहुत फटाफट हो गया. अब हम जाएंगे, पहले तो इसको कुछ चेंज करना है, बिकॉज ये अपने साथ स्वेटशर्ट लेके आई थी, इस स्वेटशर्ट को पहनेगी
तक आपने एयरबीएनबी में चेक इन भी नहीं किया है एंड शाम के ऑलमोस्ट अब देखो 4:30 तो हो ही गए। तो अभी हमारे साथ क्या हुआ है कि हमने एयरपोर्ट पे कैश को एक करेंसी जो हमारे पास यूएस डॉलर पड़ा था उसको हमने चेंज नहीं किया है। तो अभी हम जा रहे हैं एटीएम से कुछ कैश विड्रॉ करेंगे, अपना ऑक्टोपस कार्ड को टॉपअप करेंगे एंड देन विल रीच कॉजवे बे। बट उससे पहले कुछ खा लिया जाएगा मानो जी। आर यू हंग्री? तसल्ली से बैठ के खा लेते हैं यार, बहुत ज़्यादा हसल हो गई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई एकदम से। जनरली जितना हमने सुना है इतनी ठंड होती नहीं है हांगकांग में, सबने यही बोला था हमारे जितने फ्रेंड्स हैं। बट एनीवेज अभी हम खड़े हैं यहाँ पे यार काउंटर पे पे करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए और पे करने के लिए। सो जी हमारी मील आ चुकी है एंड ये मैंने ऑर्डर किया था कुछ अलग ही पैकेजिंग में आया है। और भीड़ देखो आप, मतलब भीड़ तो बहुत ही क्रेजी है यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया यहीं पर आई हुई है। आप यहाँ पे भी देखो चारों तरफ सब मिल बांट के बैठे हैं, सब मिल बांट के खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की कौन सी चेयर है, सब एक दूसरे के साथ ही बैठ के खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है। असलम चिकन में ऐसा ही होता था दिल्ली में ना। खैर हमने ये दो आइटम के बस सिर्फ ये दो आइटम और एक कॉफ़ी भी थी ना। कॉफ़ी नहीं ली। कितना पे किया हमने टोटल? $62 हांगकॉन्ग डॉलर है इसका। For these two items. तो मतलब दिस कैन बी यू नो वन क्लियर एग्जांपल ऑफ हाउ एक्सपेंसिव हांगकॉन्ग इज। आई फील दैट इट्स इवन मोर एक्सपेंसिव देन सिंगापुर एट द मोमेंट। यस फाइनली हमने कुछ अमाउंट अपना निकाल लिया एटीएम से, अब हम यहाँ से टॉप अप करेंगे अपने कार्ड को। बेसिकली ऑक्टोपस कार्ड के साथ हमें 50 HKD का बैलेंस मिला था, बट आई थिंक इट्स टाइम टू रिचार्ज। हो गया 307 हो गया। हम निकाल लो प्लीज रिमूव द कार्ड टू टेक बैक। हम निकाल लो वापस। तो ये जी एक चार्ज तो हो गया, अब बारी है दूसरे की। बहुत ही इजी प्रोसेस है, डालो, लाइट जलती है इधर। लाइट जलने के बाद आपको बस बैंक नोट को इसमें डालना है, यहाँ पे आपका बैलेंस अपडेट हो जाएगा, फिर आपको ये कर देना है और अपना कार्ड पुल आउट कर लेना है। अब फाइनली हम जा रहे हैं, फाइनली सुबह से निकले हुए हैं और अब हम जा रहे हैं कॉजवे बे जहाँ पे हमारा एयरबीएनबी है। इसको फाइनली ठिकाने लगाने, बहुत सारा सामान है, एक एक सूटकेस ही हमारे पास। तो हमें ये पहुँचने में ऑलमोस्ट 55 मिनट लग जाएंगे यहाँ से। और ऑक्टोपस कार्ड है हमारे पास तो इट्स वेरी इजी। आप ऑक्टोपस कार्ड जो टूरिस्ट ऑक्टोपस कार्ड है उसको ट्रेन बस ट्रैम इमेजिन सबवे में मैकडॉनल्ड्स में एवरी वेयर यू कैन यूज़ दैट टू मेक पेमेंट विच इज़ सुपर डुपर कन्वीनियंट। ये देख लो पीक आवर कैसे खड़े हैं, बाहर तक खड़े हैं लोग। ये हांगकांग का पीक आवर है आपके लिए। पीक आवर हर जगह का सेम ही होता है मानो है। सो अभी हमें यहाँ से एक और 3 स्टेशन और दूर जाना है पहुँचने के लिए कॉजवे बे में। अभी हम लोग हैं हांगकांग में, यहाँ से हम जाएंगे सेंट्रल एंड वहाँ से आइलैंड वाला रूट पकड़ के देन विल गो टू कॉजवे बे। तो हमने सोचा यार कुछ खा लिया जाए बिकॉज सुबह से खाया है हमने, अभी भी हमने थोड़ा सा मैकडॉनल्ड्स में खाया बट दैट वॉज नॉट फिलिंग एट ऑल। हमें पर्सनली बहुत बिल्कुल बेकार लगा यार। आप भीड़ देखो यहाँ पे यार, दिस इज़ नेक्स्ट लेवल। तो हमें अभी ये वाली ट्रेन लेनी है जस्ट फॉर 3 स्टेशन और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी ज़्यादा क्राउडेड होने वाला है ये। खैर ये बहुत ज़्यादा मेन स्टेशन है इनका, दिस इज़ सेंट्रल स्टेशन। हम टूवर्ड्स चाइवान जा रहे हैं एंड यहाँ से हमें 3rd स्टेशन पे ही उतर जाना है। तो जी हम अपने एयरबीएनबी को ढूंढने की मशक्कत के दौरान एक 7-Eleven दिखा हमें सामने और हम यहीं पे पहुंच गए। और यहाँ पे हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है कि यहाँ पे जैसे जापान में भी मैंने देखा है ब्लॉग्स में, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। आपको आपका जो भी फ्रोज़न आइटम है आपको लेना है और उसको आने के बाद आपको खुद ही ये पीछे आपको दिख रहा होगा माइक्रोवेव में खुद ही माइक्रोवेव करना है। उसमें स्टेप्स मैंशन होते हैं बॉक्स पर, प्लस वहाँ पर काउंटर पर भी आपको बता देंगे कि आपको कितनी देर के लिए और कैसे करना है। सो इट जस्ट मेक्स योर लाइफ प्रीटी मच ईजियर। But I don't know how it makes it easier because हम लोग इतना spoiled हो गए हैं थाईलैंड में कि सब कुछ बना के दे देते हैं वो, हमें बस बताना होता है कि गर्म करना है कि नहीं, बट यहाँ पे खुद करना पड़ता है। इसमें भी डाल देता हूँ। another 10 minutes and we'll be at our Airbnb, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे एंड देन our plan is to watch the light show, light and sound show at Victoria Harbour जो कि बहुत फेमस है। तो वहाँ जाते हैं एक बार
देखते हैं वाइब और आपको भी दिखाते हैं साथ में। कल हमने चेक इन किया एंड उसके बाद ऑनेस्टली हम दोनों की बहुत बुरी हालत हो गई थी, वी आर सो टायर्ड, हम सो गए। तो अभी ये जो है दिस इज़ लाइक द नेक्स्ट डे एंड हमने वीडियो को भी कल फिनिश नहीं किया, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है यहाँ तक, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय 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 बाय।